यू नो द लेमन नींबू, दिस इज नींबू। क्या शादी में घुस के खाना खाया है? किसी और की शादी में? तेरी खुद की शादी हो गई। 1 2 3 थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सिर्फ मम्मी ने धोया है मेरे को, चप्पल से, जूते से, वाइपर से, झाड़ू से। बहुत ऐसे आता भी नहीं है, मतलब रैंडमली ऐसे आता है और एकदम से चला जाता है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ तुझे बता कर आएगा व्हाट्सएप पे। हाय सोना, मैं आ रहा हूँ। कभी घर से पैसे चुराए हैं? यार क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो यार। So, hi guys and welcome back to my new vlog. कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया। यार ऐसा नहीं लग रहा गर्मियाँ आ गई? आपको लग रहा है क्योंकि आप गाड़ी के अंदर बैठे। गर्मियाँ आ गई गाइस, एक बात बताता हूँ तेरे को ही बताता हूँ। कल से ना मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है और गाड़ी के अंदर ना तुम्हारा भाई चलाता हीटर, जैकेट पहनी होती है तो ऐसा लगता है जैकेट उतारो और फेंको। मैंने उतार के पीछे फेंक दी भाई। तो गाइस आज सोना मेरे व्लॉग में कैसे आ गई? बड़े बड़े लोग है भाई, नहीं आते व्लॉग्स में। अच्छा आप लेते नहीं हो मेरे को ये बोल। हम मिले ही बहुत दिनों बाद है। हम मिले थे गाइस 1 तारीख को, हैप्पी न्यू ईयर के बाद हम आज मिले हैं। आज कौन सी तारीख है? 12 तारीख। 12 दिन बाद मिले हम, तो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था? हाँ ऐसी मिला कर तू मेरे से, 12 दिन बाद ही मिला कर। क्यों? यार जब ज्यादा गैप में मिलती है ना तो मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। और जल्दी जल्दी मिलती है ना ऐसा लगता है यार ये सर खाया जा रही है, मेरा सर खाया जा रही है। शादी के बाद क्या करोगे? शादी के बाद क्या करेंगे भाई? कोई नहीं भाई, दुनिया पछता रही है, मैं भी पछता लूंगा। तो गाइस स्वागत है आपका नए व्लॉग में। स्पेशल डिमांड के साथ आई है ये व्लॉग में, आ नहीं रही थी, रहने दे तू। गाइस इसका काम है, इसको जाना है आज दोपहर में, इसका मेकअप वगैरह। कह रही मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मेरा काम है ये। मैंने कहा यार प्लीज चल ले, थोड़ी देर व्लॉग बनाना है, प्लीज चल ले, इसको खींच के लाया हूं मैं। तो दोस्तों आज पता है हम क्या बनाने वाले? नेवर हैव आई एवर। यू नो द मीनिंग ऑफ नेवर हैव आई एवर? बताओ क्या होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस नेवर हैव आई एवर। जो मैंने नहीं किया आज तक। जो तूने नहीं किया आज तक? यस। तो गाइस देखो, नेवर हैव आई एवर में क्या होता है कि मैं ना 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उस 5 क्वेश्चन बोलने दो मेरे को पहले। बड़ा कौन है? मैं ना मैं बड़ा हूँ ना, मुझे बोलने दो। तो गाइस देखो मैं लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस में एक एक करके पुट अप करूंगा। उसमें एक बार सोना आंसर करेगी और एक बार मैं। अगर वो चीज हमने अपनी लाइफ में करी है तो हमें पता है क्या करना होगा? गाइस लेमन समझते हो? लेमन, यू नो द लेमन नींबू, दिस इज नींबू। नींबू काट के लाया तुम्हारा भाई। तेरे को पता नहीं मैं अपने मम्मी पापा का ऐसा प्रोडक्ट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पता है अंदर कोई बात? ये मैं गाइस घर से लेकर आया हूँ नींबू और रास्ते में भाई मैंने सब्जी वाला खड़ा था उससे चाकू लेके काटा। तो देखो भाई अब इससे क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगा हम दोनों में से वो चीज जिसने भी करी होगी उसको ये नींबू। क्यों गाइस छोटा सा तो डेयर है, ये है क्या इतना खट्टा? सोना आज तो अपने पेट में शिकंजी बनाएगी, गेट रेडी फॉर द शिकंजी। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके करना क्या है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा वन बाय वन। अगर आपने वो चीज करी है तो बोलना यस, और नहीं करी तो नो। नो मीन्स यू आर सेफ, यस मीन्स कि आप नींबू से अपने पेट में बनाने वाले शिकंजी। डन है, चल करते हैं यार, मजा आता है। फोन कहाँ है दूसरा वाला फोन? सोना याना आलस मत फैला, ठीक है? तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन ये है, क्या शादी में घुस के खाना खाया है? हंस क्यों रही है? तेरी खुद की शादी हो गई, ऑब्वियसली किसी और की शादी में। ये क्या बात हुई, खुद की शादी में खाया किसी की शादी में खाना? यार ये उम्मीद नहीं थी मेरे को इससे सोना, सच में यार शेम ऑन यू यार। चल भाई ये ले भाई, क्या करना इसका, ले पकड़ नींबू। गाइस सच बताऊं यही नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने भी कितनी शादी में घुसी होगी, मैं तो बहुत शादी में, नहीं मैं एक नहीं, मैं तो बहुत शादी में घुस के खाया पहले यार। ठीक है ना, समय था वो, अब थोड़ी जाता हूँ बस। ठीक है अब पता क्या कर रहा है ऐसे? ओए 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 नहीं 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 चालू है ये गाइस, मैं तो ऐसे कर लूंगा और खुद नहीं करेगी। ला दे थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ ना। 1 2 3 थोड़ा सा। हाँ ठीक है, पानी आ गया ना तुम्हारे मुंह में? क्या हुआ? अब मेरी बारी। वो तेरा है अपने पास रख। अच्छा। ये ले मेरे में से, ये भी को तेरा मेरा होता है। मजा आ गया। ये ले बस बस रख दे, ठीक है ओके। तो चलो गाइस दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? जिंदगी में कभी पापा से थप्पड़ खाया है? बहुत बार। सच बताना सच। बहुत बार पापा से खाया थप्पड़? लाओ नींबू दो, आ करो खाया? पहले आप आ करो। ओ भाई ये ले भाई, मजा आ गया। तो गाइस
आई एम सेफ, मैंने कभी अपने पापा से थप्पड़ नहीं खाया, नेवर गाइस। मैं 25 साल का हो गया हूँ, बचपन से लेके आज तक सिर्फ मम्मी ने धोया है मेरे को, चप्पल से, जूते से, वाइपर से, झाड़ू से, चिमटे से, तो बेलन से। गलत है ना, तो मम्मी वाला करना चाहिए था। मम्मी वाला भी करूँ, ये क्या बात हुई? अपने कन्वीनियंस क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बात को समझ। पापा से मैं नहीं पिटा तो नहीं पिटा, दुनिया अपने पापा से पिटी होगी, लेकिन मेरे पापा ने आज तक मेरे पे और मेरी बहन पे हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं मारा सोना, पता नहीं क्यों, कभी नहीं गाइस, कभी नहीं। पर ये बात है, मम्मी ने पापा की कसर पूरी करी है, चलो कोई बात नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन, लाइफ में कभी भूत देखा है? घोस्ट देख सोना, नहीं चाहती। मैं चाहता हूँ तू आज रात ही देखे, आज रात ही देखे, मजा आ जाएगा। पहला फोन मेरे पे आएगा, मैंने भूत देखा गाइस। मैं डर लगता है ना, मैं चाहता हूँ तू डरे नहीं, और फिर मैं शक्तिमान बन गया हूँ और तुझे बचाऊँ। तो गाइस देखो, भूत मैंने भी कभी नहीं देखा। हाँ वो कभी फील होता है कि हाँ पीछे कोई ऐसे कोई चल रहा है, ऐसे कुछ, वो चीजें कभी कभी कहीं कहीं लगती है यार, क्योंकि हर जगह अलग होती है, हर जगह वाइब्स अलग होती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हम जाते तो फील कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मेरे सामने खड़ा है भाई क्या हाल है भूत, ऐसे कभी नहीं देखा। नहीं बट भूत ऐसे आता भी नहीं, मतलब रैंडमली ऐसे आता है और एकदम से चला जाता है। हाँ हाँ, तुझे बताकर आएगा व्हाट्सएप पे, हाय सोना मैं आ रहा हूँ, ये मेरी लोकेशन है, बताकर आएगा ना तेरे को वो। चल अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, कभी घर से पैसे चुराए हैं? यार क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं यार, क्या हो गया? हाँ। चुराए हैं तो बताओ। हाँ। गाइस सोना ने चुराए हैं, लेकिन आप नहीं चुराना बच्चों, बहुत गंदी बात होती है घर से पैसे चुराने। हमने अपने टाइम पे गलती कर दी जब हम छोटे थे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? बहुत गंदी बात होती है, अगर मम्मी पापा को पता लग गया ना बहुत पिटाई हो जाएगी। हमारे मम्मी पापा को तो पता नहीं चला, मतलब मेरी नहीं सोना के, क्योंकि ये काम मैंने कभी नहीं करे, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का अच्छा लड़का हूँ। चल बेटा नींबू दे। वैसे गाइस ये बहुत नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब ऐसे कोई चुराई नहीं है, पड़े हुए थे, दो तीन पाँच रुपए इतने ही होंगे, तो फ्रिज के नीचे थे तो हाँ। मैंने ले लिए, इसमें क्या होगा? ऐसा सोना नहीं है, ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे। तो चलो कोई नहीं गाइस, होता है, दो पाँच रुपए चुराते थे जब हमारे टाइम पे, पता है 2-5 रुपए चलते थे जब हम छोटे थे, वो ही बहुत बड़ी बात थी। आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कभी नींबू भूल गया। देखा गाइस, पता है मैंने इसको क्यों पसंद किया था? बड़ी लॉयल है ये, समझ रहे हो? ले थोड़ा सा वर्ड। चीटिंग नहीं करी इसने, बता दिया। ले थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा। ठीक तो चलो गाइस, आखिरी सवाल, चौथा सवाल, फिफ्थ। अच्छा। लाइफ में कभी स्कूल बंक किया है? ले 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 बेटा, तू बता मत, ले ले जल्दी। तेरी हंसी नहीं बता दिया मेरे को। ठीक क्या नहीं, मैंने नहीं किया। लॉयल बच्चा, मैं अपने मम्मी पापा का राज दुलारा बच्चा रहा हूँ। कोई नहीं गाइस, लेकिन मेरे टाइम में सर्कल था ना, सब बंक करते थे, बस मैं ही ऐसा था जो बंक नहीं करता था, क्योंकि मेरे पापा को सब जानते थे स्कूल में, सब एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सब, तो मैं ये हरकत कर नहीं सकता था, वो अलग बात है, यार दोस्त सब करते थे। तो चलो गाइस, यही थे 5 questions, मजा आया। बट गला में ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, नींबू अच्छा होता है। तो कोई नहीं गाइस, 5ों में से सिर्फ मैंने शायद एक बार नींबू खाया है, दो बार। आप लोग कमेंट करना, क्या शादी में कभी आपने घुस के खाना खाया है? क्या पापा से कभी आपने थप्पड़ खाया है? क्या कभी आपने जिंदगी में भूत देखा है? क्या कभी आपने घर से पैसे चुराए हैं? स्कूल कभी बंक किया है? प्लीज कमेंट करके बताना। तो एंड करते हैं वीडियो, कैसा लगा छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग, मेरे दिमाग में आज ये आया, मैंने कहा बना देते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं व्लॉग के साथ गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय बाय।